सेकेंड पार्टिकल बी से क्यू गया, ट्रैवलिंग समथिंग, इतना को मैंने वाई मान लिया, इतना को मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम के, और दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि देयरफॉर इंस्टेंटेनियस, मतलब टी सेकेंड के बाद इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिकम्स, दोनों के बीच में जो इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है दैट बिकम्स पी क्यू, दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ये होगा ना पी क्यू। एक ये रास्ता है, कोई दूसरा ये रास्ता है, ठीक है। अब एक जन इधर से आ रहा है, एक जन ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है। अब सवाल है कि यहाँ तो साफ पता चल रहा है जैसे जैसे आते जाएगा डिस्टेंस, कुछ समय बाद यहाँ आया तो डिस्टेंस एक और कम हो गया, कुछ समय बाद यहाँ आया तो डिस्टेंस कम हो गया, है ना। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, पता नहीं चलता है कि ड्यूरिंग देयर मोशन वो वाकई क्लोज आ भी रहा है या नहीं। जैसे कि मान लो दो म्यूचुअली पाथ ऐसे है, दो पार्टिकल यहाँ ऐसे लोकेट हो रहा है, एक पार्टिकल ए V1 के स्पीड से इधर जा रहा है, एक पार्टिकल बी V2 के स्पीड से इधर जा रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो नज़दीक आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ समय बाद, जैसे ड्रॉ करके कुछ समय बाद ये यहाँ है ये यहाँ है, तो हो सकता है अपेरेंटली लग रहा है कि हाँ ये पहले से कम हुआ सेपरेशन। कुछ समय बाद जब दोनों यहाँ हैं तब, अब ये कह पाना मुश्किल है कि ठीक है चलो शुरू में अगर कुछ डी का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था तो कुछ समय तक वो डी का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होने लगेगा, लेकिन कम होते होते मिनिमम कितना होगा, है ना, किस समय पे होगा, ये कहना मतलब नॉर्मल तरीके से बहुत टफ है कह देना कि हाँ इतना समय बाद या इतना उसका मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो इसका दो तरीका होता है टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग बॉडीज और अदरवाइज द सिचुएशन रिलेटिंग टू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू मूविंग बॉडीज ठीक है। दो मूविंग बॉडीज के बीच में लीस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या होगा वो हम लोग ये जो 90 डिग्री वाला सिचुएशन लिया था ऐसे एक सिचुएशन से समझते हैं। तो मान लो मैं इस तरह का दो लाइन ले लिया, क्लियर है। अब एक मिनट, अब यहाँ मान लो एक पार्टिकल है, यहाँ दूसरा पार्टिकल है, इस लाइन को मैं टुवर्ड्स ईस्ट मान रहा हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये वाला किधर होता है, ड्यू साउथ, इधर देखेंगे तो ये वेस्ट और ऊपर की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ, है ना, यही ना होता है। हाँ, तो मान लो किसी एक समय पता चला कि ये पोजीशन ऑफ ए है, ये बी है, ए का मोशन मान लो V1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट है, बी का मोशन मान लो V2 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ है, नहीं ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा साउथ, और अदरवाइज दूसरा कहा जा सकता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये है डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एट टी इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द
व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन बिटवीन ए एंड बी। ये जो ए और बी जो दो पार्टिकल है जो गिवन पोजीशन से स्टार्ट किया, जो कि इनिशियली डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है और लोकेशन कैसा है, कहा जा सकता है इनिशियली ए बी के नॉर्थ के तरफ है या दूसरा बी ए का साउथ के तरफ है कि नहीं। वी कैन यूज द वर्ड्स लाइक दिस, आइदर ए इज लोकेटेड ड्यू नॉर्थ ऑफ बी और वाइस वर्सा, बी इज लोकेटेड ड्यू साउथ ऑफ ए। तो डी डिस्टेंस में ये सेपरेशन है। अब मान लो मेरे को लीस्ट डिस्टेंस पूछा गया, तो मेरे को मान लो ये पता नहीं है कि कितना समय बाद दोनों एक दूसरे के सबसे करीब आएगा। तो मान लिया कि लेट इसको, हाँ बोलो, हाँ वही एक ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब हाँ अप्रोच का मतलब ही है कि करीब आना। करीब आना के मतलब क्या है, सेपरेशन घटेगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच सबसे नजदीक यानी कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, तो इसलिए कहीं ये क्लोजेस्ट अप्रोच का लैंग्वेज हो सकता है, कभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पूछ सकता है। तो वही है, तो मान लिया कि लेट ए एंड बी अपीयर्स क्लोजेस्ट टू ईच अदर आफ्टर टी सेकेंड। ठीक है, मान लिया कि भाई टी सेकेंड के बाद दोनों एक दूसरे से क्लोजेस्ट आ जाएगा। तो चलो जब टी सेकेंड तक, तो इसका मतलब दोनों का मोशन को डिस्कस करेंगे। तो टी सेकेंड में ए मान लो पहुंच गया यहाँ ए वन में, ए वाला पार्टिकल मान लो इसको पी में पहुंच गया और बी वाला पार्टिकल मान लो क्यू में पहुंच गया। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल ए इन टी सेकेंड विल बी ए पी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल बी इन टी सेकेंड विल बी बी क्यू। हाँ या ना। सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री ए पी इज इक्वल टू मान लो एक्स दैट इज इक्वल टू वी वन टी, कारण तो वी वन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना, पार्टिकल वी वन स्पीड से ट्रेवल कर रहा है टी सेकेंड तक में, वो कितना ट्रेवल कर जाएगा, समथिंग एक्स दैट इज वी वन टी एंड बी क्यू लेट इट बी वाई एज वी टू टी। सेकेंड पार्टिकल बी से क्यू गया ट्रेवलिंग समथिंग, इतना को मैंने वाई मान लिया, इतना को मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम के, और दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि देयरफॉर इंस्टेंटेनियस मतलब टी सेकेंड के बाद इंस्टेंटेनियस सेपरेशन बिकम्स, दोनों के बीच में जो इंस्टेंटेनियस सेपरेशन है दैट बिकम्स पी क्यू, दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ये होगा ना पी क्यू लेट इट बी एस। ठीक है, तो ये पी क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ, इज इट अंडर रूट ऑफ ए पी स्क्वेयर प्लस इस पॉइंट से ए क्यू स्क्वेयर। ज्योमेट्री में ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर विल बी पी क्यू स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, ए पी है, ए पी जो है वो एक्स एक्स क्या है वी वन टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वी वन टी होल स्क्वायर प्लस ए क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ डी माइनस वी टू टी स्क्वायर।
मैं BQ को Y यानी V2T लिखा था और यहाँ से यहाँ तक A से B तक D था, तो D माइनस Y यानी D माइनस V2T, समझ में आया ना। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा PQ का डिस्टेंस मेजर डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हर समय PQ किसी न किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज के रूप में दिखाई देगा। ये आगे बढ़ेगा, ये ऐसे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रायंगुलर ज्योमेट्री का शेप चेंज हो गया, लेकिन वो हमेशा राइट एंगल ही रहेगा। तो हमेशा इंस्टेंटेनियस सेपरेशन क्या रहेगा, एक हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसका मतलब है कि देयरफॉर इज द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन अपीयर समथिंग लाइक दिस, वी वन टी स्क्वायर प्लस डी माइनस वी टू टी स्क्वायर। अब सवाल है कि ये मिनिमम, इस मिनिमम कब होगा, ठीक है, टी का कितना वैल्यू बैठाएंगे एग्जैक्टली, कि हमारा ये कैलकुलेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए, वो तो हमको पता नहीं है। अब एग्जैक्टली मैं टी का वैल्यू कितना बैठा हूँ ताकि मेरा ये कैलकुलेशन एकदम मिनिमम हो जाए, वो तो पता नहीं ना है। तो क्या करना होता है, किसी भी मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे भी इस चीज़ को, एप्लीकेशन ऑफ डीवाई डीएक्स यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। एक टॉपिक आता है, स्कूल में पढ़ा भी होगा, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाई किया ना, हाँ। तो मैक्सिमा मिनिमा लगाएंगे यहाँ, तो हम लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग मिनिमम वैल्यू ऑफ एस, इसका मिनिमम वैल्यू अगर मेरे को निकालना है देन, हाँ ds को, ये is वेरी हो रहा है किसके लिए, t की वजह से, तो डेरिवेटिव ऑफ ds को इक्वल टू जीरो करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ ds बाई dt, तो RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, तुम्हारा क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूट ऑफ कुछ भी, रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो पहले चेन रूल में करेंगे, पहले पूरा रूट के अंदर जो है उसको एक्स मान के, वो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ऑफ दिस, जैसे है वैसे लिख देंगे। और फिर ये जो टी डिपेंडेंट वाला टर्म है जो रूट के अंदर है, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल, तो वी वन इंटू टी का होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ, वी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो यानी वो हो जाएगा वी वन स्क्वायर इंटू टू टी। दूसरा वाला पार्ट फिर डी माइनस वी टू टी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू डी माइनस वी टू टी, चेन रूल, पहले डी माइनस वी टू टी का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी माइनस वी टू टी, तो वो हो जाएगा 2 इंटू दिस इंटू डी का 0 माइनस वी टू। ये हुआ हमारा चेन रूल का डिफरेंशिएशन, हाँ या ना, ठीक है ना। तो अब देखो, सिंस हमको ढूंढना है वो वजह जिसके कारण ds by dt जीरो होता है, तो हमको पता है किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है, न्यूमरेटर को जीरो बनाना है। तो न्यूमरेटर को जीरो बनाना है तो हम लिखेंगे 2v1 स्क्वायर t माइनस, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2v2 इंटू डी माइनस वी टू टी, दैट इज इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं हो सकता है, ओनली न्यूमरेटर विल बिकम जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो आ जाएगा 2v1 स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस 2v2 स्क्वायर दैट इंटू टी इज इक्वल टू 2v2d।
यानी कि थ्रू आउट टू कैंसिल किया जा सकता है, तो हमको वो टाइम मिल गया जिस वैल्यू बैठाने पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, यानी ds बाई dt जीरो होगा जिस वैल्यू पे वो टाइम है t, यानी कि शुरू करने के बाद न्यूमेरिकली t का जो वैल्यू इस फॉर्मूला से आएगा वही वो पर्टिकुलर समय है जब दोनों एक दूसरे के करीब होगा। किस समय दोनों सबसे नज़दीक होगा वो तय होगा जिस समय दोनों के बीच का जो इंस्टेंटेनियस टाइम डिपेंडेंट जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वाला फॉर्म है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कौन टाइम बैठाने से होगा। तो वो ये टाइम बैठाएंगे तो ds बाई dt जीरो होगा, यानी कि s मिनिमम कैन बी फाउंड पुटिंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब ये जो फॉर्मूला आया था इसमें तुम t की जगह ये बैठा के सिंप्लीफाई करोगे तो जो कैलकुलेशन आएगा वही होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ s, यानी मिनिमम सेपरेशन।